दलितों के साथ जो हरकत की है उसका पूरे देश का दलित समाज जमकर जवाब देगा। हर जगह पे हर कोने में राजस्थान में हाथापाई करे, समझ से डूब मरना चाहिए वसुंधरा राजे को। देश और जनता के सामने रखे कि किस प्रकार से सबके साथ और सबके विकास के मॉडल के नाम पे ये दलितों के विनाश का मॉडल बन चुका है। उनको जितनी लगानी लगा दे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हमने तय किया है। संघ और बीजेपी पूरे देश में दलितों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश में, तो उनको जितना भी हमें प्रताड़ित करना है करे, हम या हमारी आने वाली नस्लें इस अत्याचार को किसी कीमत पर भूलने वाली नहीं। कल भी लड़ते थे उनके खिलाफ, आज भी लड़ेंगे, और कल भी लोकतांत्रिक ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहकर हमारा संघर्ष चालू रहेगा। आज धारा 144 लगाई, कल को और भी कोई मुकदमा दर्ज करना है तो कर ले। वसुंधरा की वो एक तो धाराओं से हम डरने वाले नहीं है। लोगों से मिलके जिस तरह का 2 तारीख का जो इम्पैक्ट आया उसको लेकर लोगों में किस तरह का, देखिए ऊना से लेकर रोहित वेमुला की घटना हो, या सहारनपुर का मामला हो, या भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जेल में डालने की बात हो, या 2 अप्रैल के दिन जिस तरह से आदिवासी और दलित दोनों को पीटा है और उस दिन 10 लोगों की हत्या हुई, पूरे देश में इस वक्त सबसे नाराज कोई लोग है वो है दलित है, आदिवासी और माइनॉरिटीज। तो इस प्रकार का दमन तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। स्थिति को खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे राजस्थान में। 2 अप्रैल के बंद कॉल और उसके बाद लगातार जो नीमका थाना में यहाँ घर में घुसकर पुलिस ने पिटाई की है, और यहाँ तक कि 60-17 साल की महिला का सर फोड़ा है, उनका जख्म आज तक नहीं भरा है, बहनों के साथ बदतमीजी की गई, छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की गई, लोगों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, और बच्चों को 3 दिन तक थाने में बंद करके पीटा है, और ये कहा है जय भीम बोलो और यदि नहीं बोलेंगे तो मारेंगे और बोलेंगे तब भी मारेंगे। तो ऐसा तो हमने भारत में कहीं नहीं देखा है। तो वसुंधरा राजे की सरकार में जिस तरह का दलितों के ऊपर दमन बढ़ गया है, और 2 अप्रैल के बंद कोर के बाद 5-6 तारीख तक जिस प्रकार का आतंक हुआ है, आज भी लोग खुलकर बात करने को तैयार नहीं, इतने सहमे हुए, डरे हुए, आज भी उनके अंदर मैंने खौफ देखा है, और न जाने कितनी सैकड़ों फर्जी मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए। इन सारे चीज़ों का न केवल राजस्थान लेकिन पूरे देश का दलित समाज संघ और भाजपा को जमकर जवाब देगा। और हम लोगों ने आज तय किया है कि 1 लाख दलितों से पूरे राजस्थान और आदिवासी हर दिन ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा जीना हराम हो गया है। उसकी वजह की RSS और भाजपा का यही एजेंडा है, कौमवाद को फैलाओ, जातिवाद को बढ़ाओ, उनका माइंडसेट ही मनुवादी है। मैं हर जगह पर कहता हूँ, आपके बीच में भी कहूँगा कि मोदी के होठों पर दंभ दिखाने के लिए, दंभ करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है। दिल के अंदर तो चोर बैठा है, मनुस्मृति वाला मनु बैठा है। 2 तारीख को उपद्रव मामले में जो निर्दोष लोग बंद हुए हैं उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। वही तो बहुत सबसे कम नसीब बात है, जिन लोगों ने कुछ, जिन पुलिस कर्मियों ने और गुंडों ने घर में पिट कर दलित बहनों के मारा, उनके सामने मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। जिनकी पिटाई हुई उनके ऊपर फ्रीवलेस फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डाल के रखा है। लोगों में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, यहाँ तक के लोग खुलकर बात करने को तैयार नहीं। अब मुझे पता चला है मुझे क्यों यहाँ पर रोक रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? हम हर तरफ से उनकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो उनके सवाल जाने, समझे, उनके ऊपर क्या बीती वो सुने, सुनने के बाद वो सारी चीज़ जनता के बीच में ले जाए, राजस्थान के हर एक कोने में पूरे देश के दलित समाज के लोग जा रहे हैं, और अलग अलग स्टेट में से लोगों के डेलीगेशन लगातार राजस्थान में आएंगे, उनको Thank you.